एक दो ग्राफिक्स कार्ड आया क्या है मेरे एक साथ? दो ग्राफिक कार्ड भी आ चुके हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी आगे आगे जैसे बोलते रहते हैं कि भाई राज सॉल्यूशन ये करता है भाई, उसने तो मतलब पूरी भदंडी मचा रखी है, ये कर रखा है भाई, क्या पागल बना रहे हो, वो मेरे को बताओ। पूरे बिल पे थ्री अच्छा 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 थाउजेंड हाँ से ओनली मैं ग्राफिक कार्ड सोचने भी लगा यार अगी 20 में प्राइस। अभी बीच में आ गए एनवीडिया, ये इंटेल इंटेल आ और गया। एएमडी, अभी क्या बीच में इंटेल आ गई। हाल है दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और अभी मैं हूँ लेविंगटन रोड मुंबई, और आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस भाई, और इंटेल का जो एकदम न्यू ग्राफिक कार्ड आया है भाई A380, उसके भी प्राइस देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है और मतलब काफी अच्छी होने वाली है, कहने का मतलब। तो अभी जिस स्टोर पे आया हूँ उसका नाम है राइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, राइट सॉल्यूशन के सभी प्राइसिंग के बारे में जानते हैं। तो ठीक है गाइस, जब हम स्टोर के अंदर आ गए हैं, आप इधर पूरा मतलब ग्राफिक्स कार्ड की बिल्डिंग देख सकते हो भाई, इतनी बड़ी बड़ी बना दी है, हमारे से ऊपर निकल गए ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। और इधर रखा है ये, डिमांड करते हो भाई, मतलब करते थे, अभी पूरी हो गई हो आपकी इंटेल आर्क A380। तो ये ग्राफिक्स कार्ड अभी आ चुका है इंडिया में, तो अभी इसकी प्राइसिंग भी हम वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके की मिलने वाली है। तो अभी राहुल भाई से मिलते हैं। राहुल भाई कैसे हो आप? बस बस एकदम ठीक, आप कैसे हो? अरे एक नंबर। तो एक बार मतलब अपनी स्टोर के बारे में बताइए, किस तरीके से सब्सक्राइबर आसानी से आ सकते हैं पूरी? देखो हमारा शॉप राइट सॉल्यूशन लेमिंगटन रोड पे पड़ता है, ग्रैंड रोड ईस्ट के अंदर है, सिग्नल के इधर ही फर्स्ट दुकान है। किधर भी पूछोगे राइट सॉल्यूशन गूगल मैप पे डाल दोगे आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इधर पहुंच जाओगे, तो टेंशन लेने की जरूरत ही ठीक नहीं है, है। वैसे ज्यादातर लोग जानते होंगे भाई, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मतलब प्राइस बहुत ही ज्यादा मतलब कम हो बहुत चुके ज्यादा हैं, कम हो चुके हैं प्राइसिंग, बहुत ज्यादा कम हो ठीक चुके है। हैं, तो आ चुका है प्राइसिंग, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ चुका एक है। दो ग्राफिक्स कार्ड आया क्या है मेरे एक साथ? दो ग्राफिक कार्ड भी आ चुके हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी आगे आगे जैसे तो सब बस ग्राफिक्स यार कार्ड के बारे इंतजार में कीजिए, बताता वीडियो पूरा देखिए, तो मजा आने वाला है वीडियो में। ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस एकदम बबाल मिलने वाली है, जबरदस्त मिलने वाली है। तो अभी हम देखते हैं प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं पहले। तो उससे पहले मेरे को थोड़ा मतलब थोड़ा बता सकते हो कि जैसे कोई सब्सक्राइबर है आउट ऑफ मुंबई रहता है, मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हो, डिलीवरी वगैरह क्या सीन हम रहता लोग है? का ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पूरा डिलीवरी होता है। आप कॉल करो, आपको फोन पे व्हाट्सअप करो, आपको प्राइसिंग मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, जो भी चार्जेस रहेगा वो देना पड़ेगा। मतलब नियर बाय बॉम्बे आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगा, मतलब इधर आजू बाजू में रहेगा तो फ्री डिलीवरी पॉसिबल है ओके ऐसा। ठीक है। अभी हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो प्राइसिंग हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले? बिल्कुल एंट्री लेवल देखो से एंट्री बताइए। लेवल ग्राफिक कार्ड देखना है तो एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड जैसे बात करते हैं, एक्चुअली ग्राफिक कार्ड काम के तो है ही नहीं। वो ग्राफिक्स हाँ कार्ड में तो ग्राफिक बोलता कार्ड ही नहीं के हाँ, उनको। GT 210 आता है, 610 आता है, 710 आता है, 730 आते हैं, एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड है। फिर भी बात करते हो, डिस्प्ले के लिए यूज कर हाँ लेते हैं लोग जी बात। टी 210 जो रहता है वो 1700 का ग्राफिक कार्ड है, बाद में GT 610 रहेगा वो 2200 रुपीज का ग्राफिक कार्ड है, देन इसके बाद में GT 710 रहेगा वो आपको 3050 का ग्राफिक कार्ड आता है, बाद में GT 730 करके रहेगा, GT 730 वो आपको 4000 रुपीज का आता है। तो ये एंट्री लेवल का ग्राफिक कार्ड है, मतलब सिर्फ बेसिक डिस्प्ले के लिए आप यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं यूज कर सकते हैं ओके बाकी। लेकिन ये वाले जो ग्राफिक कार्ड है मेरे हिसाब से तो नहीं लेने चाहिए, इसके अच्छा तो इंटीग्रेटेड वाला प्रोसेसर लो, वही एपीयू बेस्ट करो, होगा। हाँ उससे बेटर परफॉर्मेंस है ना, वो प्रोसेसर दे देगा, उसके अंदर इनबिल्ट जो ग्राफिक कार्ड रहता है वो बेटर परफॉर्मेंस वो दे देगा। ठीक है तो ये ग्राफिक कार्ड ठीक है, सिर्फ नाम का डिस्प्ले के लिए ठीक है, आप कर सकते हैं वैसे। हाँ ओके, तो मैं तो बोलूंगा मतलब एपीयू में बिल्ड कराओ आप। एपीयू बिल्ड करो या फिर इंटेल का, अभी अभी जो भी इंटेल का 11 12 जनरेशन जो भी प्रोसेसर रहते हैं उसके अंदर पहले से बेटर ग्राफिक्स है, इससे बेटर है 1030 के लेवल का ग्राफिक कार्ड उसके अंदर पहले से इनबिल्ट रहता ठीक ही है। है। तो अभी हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट के बारे में। देखो अभी मेरे पास GT 1030 2GB का DDR5 ग्राफिक कार्ड है, 1030 2GB का DDR5 पड़ता है अपने को 6650 रुपीज का, 6650 सिक्स फाइव जीरो रुपीज का। ओके ये पहले एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि कैसा कैसा है। देन 1030 4GB का भी ग्राफिक कार्ड है तो आने वाला है स्टॉक, तो जैसे ही अपडेट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। 1030 4GB जो है आउट ऑफ शॉर्टेज में चल रहा है वैसे। ओके देन इसके बाद में मेरे पास 1050 Ti का ग्राफिक कार्ड है, देख सकते हो आप इधर बहुत सारी बिल्डिंग बनी इधर हुई है, है, इधर ये रहा 1050 Ti का ग्राफिक कार्ड है, GTX 1050 Ti, ये पड़ता है अपने को 14000 रुपीज का। 14,000 ये एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड के हिसाब से मैं Inno 3D गैलेक्स कलरफुल के टाइप के ब्रांड के प्राइसिंग दूंगा आपको। गीगाबाइट बड़े बड़े मॉडल्स मतलब जैसे ऑरस हुए, आसुस के ROGs हुए, टफ हुए, वो सबके प्राइसिंग थोड़े थोड़े वेरी करेंगे। ये एंट्री लेवल के हिसाब से अपन जैसे कैसे बजट चालू होता है उसके हिसाब से अपन उसका प्राइसिंग दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एकदम से ऐसा तो नहीं होगी ज्यादा बढ़ा दे, मतलब नहीं वही नहीं थोड़ा वैसा बहुत नहीं रहेगा, थोड़ा। थोड़ा मोटा डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अभी आसुस ROG के लेवल का रहेगा तो मतलब ठीक है वो डिफरेंस देगा, हाँ बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड के हिसाब से वो डिफरेंस देगा थोड़ा। ये ओके हुआ 1050 Ti के बारे में, 1050 Ti। इसके बाद मेरे पास GTX 1650 है, 4GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है, DDR6 भी आता है इसके अंदर, DDR5 भी आता है, अलग अलग ब्रांड्स है। जैसे मेरे पास MSI गैलेक्सी इनो 3D वो 15500 रुपीज का प्राइसिंग है, ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST। सब जो भी प्राइसिंग दूंगा सब ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST के साथ हाँ, रहेगा। यही मेरे मतलब कुछ सब्सक्राइबर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मतलब बिना GST के प्राइस बता रहे नहीं हैं, नहीं नहीं क्या सब सीन सब है? सब ऑल इंक्लूसिव GST रहेगा, सब विद प्रॉपर बिल रहेगा, बॉक्स पैक रहेगा, विद लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, ठीक है। और ये कुछ सब लोग पूरा। मतलब कुछ सब्सक्राइबर बोलते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कैश का सीन रहता है क्या, नहीं मतलब नहीं मेरे कुछ को भी थोड़ा नहीं बुझा रहता है, सकते हो? देखो अभी कैसा है, एंड यूजर रहता है, एंड यूजर को प्राइस हम लोग कम में देने के लिए उसको कैश में चाहिए तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्काउंट देते हैं, बस वैसा रहता है। ठीक है, वैसे ये सभी प्राइस इंक्लूसिव सब GST है? इंक्लूडिंग GST है, सब डिस्काउंट के साथ है, सब विद बिल
रहेगा, सब विद 3 इयर्स वारंटी के साथ रहेगा, ZOTEK लोगे तो 5 इयर्स वारंटी के साथ आ जाएगा, थोड़ा प्राइस वेरी करता है, तो हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी। मिल जाएगी, जो कैशलेस का है भाई वो भी अलग, मतलब जो भी होगा वो और भी कम हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। वैसे 1050 Ti जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी 1650 पे था GTX 1650 4GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड, 15,500 रुपीज का गैलेक्स और इनो 3 कंपनी का। देन इसके बाद में मेरे पास GTX 1660 6GB का ग्राफिक कार्ड, ऊपर था 19,000 रुपीज का। देख सकते हो ये रहा ZOTEK भी ब्रांड मिल जाएगा, ZOTEK है, इनो 3D है, सब मतलब जो भी ब्रांड चाहिएगा आपको मिल जाएगा। ये हुआ 1660, ये वो सब कुछ मिल जाएगा। और ये सभी ग्राफिक कार्ड मतलब यार यहाँ पे भरे हुए लगे हैं, मतलब ये ये वाले सभी बॉक्स पैक है, मतलब इधर हमने पूरी बिल्डिंग बना ली है तो यार उठा के दिखाएगा तो गिर जाएंगे। ये हुआ बाद में 1660 के बारे में, 6GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड, DDR5 ग्राफिक कार्ड 1660। इसके बाद में 1660 सुपर आता है, 1660 सुपर जैसे आप देख, 1660 सुपर है मेरे पास, 1660 सुपर कलरफुल, इसके अंदर भी अलग अलग ब्रांड्स है सब मेरे पास, आप कॉन्टेक्ट करो आपको मिल जाएगा 1660 सुपर और 1660 Ti। 1660 सुपर मेरे पास है 19,600 रुपीज का और 1660 Ti है वो 21,000 रुपीज का है। प्राइसिंग बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, यही 2 साल पहले कुछ 1660 सुपर 17,000-18,000 तक आता था, ये 19,600 तक पहुंच गया है। मतलब MSRP भी कब आएगा? हार्डली 2,000 का डिफरेंस पड़ा है, वो भी हो जाएगा अभी, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही है वैसे। 1660 Ti हुआ और 1660 सुपर हुआ। इसके बाद में मेरे पास है RTX 2060 6GB का ग्राफिक कार्ड है, 2060 6GB, ये पड़ता है अपने को 24,100 रुपीज का, 24,100 रुपीज का, ये ऑलमोस्ट उधर तक ही है, मतलब पहले जब भी 2 साल पहले भी यही प्राइसिंग था इसका, 24,000 रुपीज ही था उठते तक। अब मैं इसके बाद में RTX 2060 में मेरे पास 12GB भी है, 12GB पड़ता है 26,900 रुपीज का, 26,900 रुपीज का, मतलब ब्रांड के हिसाब से थोड़ा वेरी करेगा, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करेगा। गैलेक्सी नोट 3D कलरफुल ये चलो ठीक है, एंट्री लेवल के हिसाब से चल सकते हैं, MSI लो तो थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा 500,000 रुपीज का वगैरह वगैरह। ZOTEK भी चाहिए तो ZOTEK भी मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगा। इसके बाद में हुआ 2060 सुपर, 2060 सुपर मेरे पास कलरफुल है। इसके बाद में RTX 2060 सुपर है, 2060 सुपर 27,000 रुपीज का है कलरफुल, और गैलेक्सी आएगा 27,500 रुपीज का, 8GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है। इसके बाद में अभी मेन सीरीज जो की 30 सीरीज हाई डिमांडिंग सीरीज रहती है उसके बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले ना मतलब अभी जो मतलब कुछ लोग बोलते रहते हैं कि भाई राज सॉल्यूशन ये करता है भाई, उसने तो मतलब पूरी भदंडी मचा रखी है, ये कर रखा है भाई, क्या पागल बना रहे हो, वो मेरे को बताओ। नहीं कुछ नहीं करते है, सब कुछ प्रॉपर रहता है, हर एक चीज प्रॉपर विद बिल विद 3 इयर्स वारंटी, ऑल ओवर इंडिया वारंटी मिलता है, कोई चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप आओ देखो, सामने सामने चेक करो, या फिर जिसको आना नहीं रहे पॉसिबल है फोन करो, फोन पे सब गाइडेंस मिलेगा, थोड़ा डिले होता है क्योंकि काम बहुत रहता है उसके हिसाब से थोड़ा डिले रहता है, हर एक चीज प्रॉपर गाइडेंस के साथ मिलेगा। कस्टमर नहीं आ सकता तो इधर से हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, सब कुछ बताते हैं, जिसको बॉक्स पैक चाहिए बॉक्स पैक भेजते हैं, सब चीज एकदम प्रॉपर सेटल है, सब चीज प्रॉपर के साथ आपको फुल गाइडेंस मिलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो भाई अभी और क्या चाहिए यार, मतलब आपका फुल सेटिस्फेक्शन हो तो लेके जाइए यार, आइए पूरा सील्ड वगैरह देखिए, सीरियल नंबर मैच कीजिए, जब आपको प्राइस अच्छा लगे या आपको सर्विस अच्छी लगे, पूरी बातचीत हो जाए तब लेके जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेन ग्राफिक कार्ड पे आते हैं, ठीक है, अभी थोड़ी बात हो गई यार सीरियस। अभी RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड, 3050 सबसे बेस्ट, मतलब एंट्री लेवल के हिसाब से RTX में जो सीरीज रहता है वो 3050 सबसे बेस्ट पे चल रहा है। 8GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है, वो पड़ता है 24,650 रुपीज का, इनो 3D चाहिए, इनो 3D कलरफुल गैलेक्सी ये सब ब्रांड मिल जाएंगे आपको। बाकी ब्रांड के साथ आपको 1,000-1,500 रुपए का 1,000-1,500 रुपीज का डिफरेंस पड़ेगा, थोड़ा और ब्रांड आसुस आरू जी वैसे थोड़ा जाएगा तो थोड़ा और डिफरेंस पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करो आपको प्राइसिंग मिल जाएगा। ये हुआ 3050, देन 3060 RTX 3060 12GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है, इनो 3D कंपनी का, वो पड़ता है अपने को 30,250 का। देन बाद में गैलेक्सी है, गैलेक्सी भी मिल जाएगा आपको 31,500 रुपीज का, 31,500 रुपीज है, थोड़ा महंगा एक्चुअली, वन क्लिक ओसी करके मॉडल है इसके हिसाब से 30,250, इनो 3D हो गया, MSI थोड़ा 31,500, मतलब ऑन एन एवरेज ये प्राइसिंग चल रहा है, मतलब 30,000 तक मिल जाएगा, 3060 मिल जाता है, मिल जाएगा। 20 में कब आएगा? 20 में मतलब सिर्फ 1,000 रुपया 500 रुपए बढ़ा है 20 सीरीज में आने के लिए, वो भी हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 30,250 3060 का 12GB का ग्राफिक कार्ड हुआ। देन इसके बाद में मेरे पास 3060 Ti है, 3060 Ti हम लोग RTX 3060 Ti, RTX 3060 Ti 8GB का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है 37,500 रुपीज का, 37,500, मतलब बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, 37,500 रुपीज का भाई, ऑब्वियसली मजा आ रहा है भाई। प्राइसिंग अभी आ गई है यार, वो बोलते हैं ना कि एक सुकून मिल रहा है प्राइसिंग सुनने के बाद में, वो अभी मजा आ रहा है बस वैसे, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, 37,500 रुपए का 3060 Ti है। इसके बाद में मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स में, हर एक ब्रांड्स में अवेलेबल है, बस बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना, इसके हिसाब से हर एक ब्रांड कवर नहीं कर सकते, प्राइसिंग यार एकदम मस्त होगी। आपको क्या लग रहा है, मतलब MSRP पे आया क्या, उससे भी नीचे चले जाएगी क्या? मतलब है ऑलमोस्ट पहुंच गया है, बस थोड़ा ही बचा है, वो भी आने ही वाला है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये हुआ 3060 Ti,
3060 Ti, बाद में इसका हमारे पास है 3070, 3070 का जो ग्राफिक कार्ड है 3070 मेरे पास है, और 3070 48750 का, और इसके अंदर आपको कलरफुल इनो 3D वही ब्रांड्स मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रांड्स के साथ आपको 1000 to 2000 rupees वेरी करेगा, वेरी करते हैं, वेरी करेगा। और बाद में 3070 Ti, 3070 Ti मेरे पास 50000 rupees का है, PNY, ये देख सकते हो आप, इधर है PNY ब्रांड का 3070 Ti, 50000 rupees का है PNY ब्रांड का। ओके दूसरा ब्रांड चाहिए रहेगा तो दूसरे ब्रांड्स गैलेक्स कलरफुल, ये सस्ते में सस्ता है मेरे पास इसके अंदर, इसके हिसाब से मैंने इसका बताया 3070 Ti PNY मेरे पास 50000 ऑल इंक्लूसिव GST है, 50000 में मिल जाएगा, 50000 में, हाँ 50000 में, बहुत लिमिटेड स्टॉक है, बहुत लिमिटेड स्टॉक है, 50000 में एक्चुअली 3070 Ti मिलेगा नहीं, मिलेगा भी नहीं, अभी 3060 मिल रहा था भाई, 3060 Ti, सॉरी 3060 Ti मिल, 3070 और 3070 Ti में ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो 2000 rupees का डिफरेंस आ गया बस, वो 4750 का था, ये 50000 rupees का, ये लिमिटेड स्टॉक में मेरे पास 50000 rupees, बाकी इसके अलावा कलर गैलेक्स कलरफुल इनो थोड़ी थोड़े महंगे हैं, वो पड़ता है अपने को 53000 से 53500 वही, मतलब ब्रांड टू ब्रांड थोड़ा, ब्रांड टू ब्रांड थोड़ा वेरी करेगा, पड़ जाता है प्राइस, ठीक है। ये हुआ 3070 Ti 8GB का ग्राफिक कार्ड, और अभी यहाँ पे इंटेल आर्क रखा है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, अभी इंटेल थोड़ा टाइम ले लेते हैं, इंटेल थोड़ा प्राइसिंग के साथ, बाद में मेरे पास है 3080, 3080 में 10GB का ग्राफिक कार्ड है, 3080 10GB का ग्राफिक कार्ड, वो पड़ता है मेरे को आपको 67500 rupees का, 67500 rupees का, गैलेक्स कलरफुल इनो 3D, इसके अंदर यही ब्रांड्स अवेलेबल है एंट्री लेवल की सबसे। देन 3080 मेरे पास 12GB भी है, वो पड़ता है अपने को 72250 12GB का, वो Zotac ब्रांड है मेरे पास, बाकी ब्रांड, हाँ Zotac ब्रांड है मेरे पास, 5 years वारंटी देता है Zotac, रजिस्ट्रेशन पे 5 years वारंटी दे देता है, सबसे बेस्ट है, मतलब एंट्री, मतलब सबसे बेस्ट, मतलब प्राइसिंग 12GB में पास Zotac अच्छे प्राइसिंग अच्छे प्राइस में, अच्छे प्राइसिंग है। और अगर अगर मैं बात करूं राहुल भाई, मतलब जैसे कोई पीसी बिल्ड कराता है आपसे, ये तो इंडिविजुअल ग्राफिक कार्ड के प्राइस हो गए, ग्राफिक कार्ड का तो पीसी बिल्ड में थोड़ा, पीसी बिल्ड में देखो एंट्री लेवल के हिसाब से देखा जाए तो एकदम कम वाले में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 series ग्राफिक कार्ड में 1000 rupees का डिफरेंस दे दूंगा, 2000 ग्राफिक कार्ड में 2000 series का डिफरेंस दे दूंगा, 3000 में 3000 का डिफरेंस दे दूंगा। अच्छा ऐसा क्या, मतलब जैसे 3060 कोई ले रहा है तो 3000 पूरे बिल पे 3000 rupees का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब पूरे बिल्ड पे, पूरे बिल पे 3000, सोचने लगा यार अगली 20 में प्राइस ये ग्राफिक कार्ड में पूरे बिल के ऊपर 3000 rupees का डिस्काउंट दे दूंगा, ओनली ग्राफिक कार्ड चाहिए तो ये प्राइस पे मिल जाएगा, पूरा बिल करो तो ऑन एन एवरेज करके 3000 पूरा पीसी बिल पे डिस्काउंट, ग्राफिक कार्ड पे नहीं होता, ओके ग्राफिक कार्ड पे नहीं होता, पूरे पीसी बिल पे प्राइसिंग कम, वही मैं यार मेरा मजा आ गया था सुन के, मतलब 30 series पे 3000 का डिस्काउंट 27 पे हो गया, वही मजा आ गया 27 पे आ गया, ठीक है। तो ये हुआ, अभी कौन सी सीरीज पे आ गए, 3080 12GB, 3080 12GB का, 3080 12GB Zotac का मैंने जैसे बताया आपको 72250 rupees का, ये हुआ 3080। इसके बाद में 3080 Ti ये मेरे पास 3080 Ti, 3080 Ti पड़ता है 80750 rupees का, 80750 rupees का, वो भी मेरे पास PNY ब्रांड में, एक्चुअली PNY का थोड़ा स्टॉक उठाया था उसके हिसाब से प्राइसिंग मिल गई, ठीक है प्राइसिंग काफी अच्छी मिल रही है, हाँ 80750 का, बाकी ब्रांड के साथ मैं आपको जैसे बोला 80000 तक 3080 Ti आ चुका है, बाकी ब्रांड के साथ आपको थोड़ा वेरी करेगा 3000 to 4000 rupees, क्योंकि जैसे बढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा वेरी करता जाता है, ठीक है। एक बार आप फिर से बोल दो कि सभी प्राइस इंक्लूसिव GST है, क्योंकि बोलते हैं प्राइसिंग ऑल इंक्लूसिव GST है, विद बिल मिलेगा, विद 3 years वारंटी है, Zotac लोगे 5 years वारंटी, हर एक चीज प्रॉपर विद सील, विद लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड कोई नहीं है, चेक करो सब कुछ जो रहेगा एकदम प्रॉपर बिल विल के साथ रहेगा, सीरियल नंबर मैच करो, सीरियल नंबर सेटिस्फेक्शन हो तभी लो, सीरियल नंबर मैच करो अंदर बाहर सब जगह, सब कुछ सीरियल नंबर मैं खुद ही मैच कराऊंगा, कोई चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ प्रॉपर चीज ही मिलने वाला है, हर एक चीज प्रॉपर ही मिलेगा, सब चीज प्रॉपर। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं 3090 के बारे में, 3090 मेरे पास, 3090 मेरे पास है Zotac 1,16,750 का, 1,16,750 Zotac का है विद 5 years वारंटी, बाकी मेरे पास एक्चुअली Zotac ही अभी आया है, बाकी ब्रांड्स आने वाले हैं, बाकी Zotac थोड़ा महंगा रहता है बाकी ब्रांड्स के हिसाब से थोड़ा, बाकी कम से कम कितना मिल जाएगा, मिनिमम से मिनिमम देखो 1,12,000-1,10,000 तक आपको 10 से चालू रहेगा, 1,10,000 में 3090 मिल जाएगा, भाई गजब है यार मजा आ रहा है 3090 मिल जाएगा 1,10,000 rupees से, बाद में 3090 Ti, 3090 Ti मेरे पास 1,40,000 rupees का है, 1,40,000 rupees का, ये बहुत मतलब बहुत पहले बहुत 2 lakh के 2 lakh के ऊपर 2 lakh के ऊपर ही आया था, 2 lakh के ऊपर ही प्राइसिंग चल रहा था, बहुत ज्यादा प्राइसिंग ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सभी NVIDIA के कार्ड के बारे में बात की भाई, प्राइसिंग एकदम आपको पता ही है क्या नेक्स्ट लेवल मिली है, तो मजा आ गया प्राइसिंग में, तो पीसी बिल्ड अगर आप कराते तो वो डिस्काउंट आप बता ही दिया यार, ठीक है। बाकी RTX 4000 भी लॉन्च होने वाला है मेरे ख्याल से, RTX 4000 अक्टूबर के अराउंड जब भी आता है भाई लेके आ जाएंगे, ठीक है, बस आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आ जाएगा लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर के अराउंड लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आता है आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो ये NVIDIA कार्ड हो गया इधर, तो अभी आप कुछ इंतजार कर रहे होगे इस ग्राफिक्स कार्ड का, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए उसकी क्या प्राइसिंग आई हो, क्या इसकी परफॉर्मेंस वगैरह, NVIDIA और AMD के बारे में बात करते थे अभी बीच में आ गया NVIDIA, इंटेल और AMD, अभी बीच में इंटेल आ गया है। इंटेल का जैसे मैं बता सको, ये 6GB का ग्राफिक कार्ड है, A380 स्पेक, ये इंटेल ARC3 का ग्राफिक कार्ड है, इंटेल ARC3, इसके अंदर भी टोटल, इसके अंदर जो आने वाले हैं टोटल 4 वेरिएशन आने वाले हैं, इंटेल ARC3,
3, Intel X5, एक Intel X5 में एक और मॉडल आने वाला है, दो Intel नहीं, एक Intel X3 है, एक Intel X5 और दो Intel X7 है, Intel X7 है। ओके, ये हुआ ASRock, अभी तक ASRock ब्रांड में ही आया, ये ITX वर्जन है, सिंगल फैन है, 18,150 विद ऑल इंक्लूसिव ऑफ GST, 18,000, लेकिन इसका अभी तक मतलब परफॉर्मेंस जितना मैंने देखा है, परफॉर्मेंस इतना AMD के कंपैरिजन और Intel के NVIDIA के कंपैरिजन में, RX 6400 AMD में और NVIDIA के अंदर 1650 उसके लेवल के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस इसके साथ आ रहा है। ये 6GB का ग्राफिक कार्ड है, वो दोनों 4GB के ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। तो ये हुआ Intel, अभी आ गया है, आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको लेना है नहीं, ठीक है। और अभी नेक्स्ट चीज आ रही है, उसका वेट करो, वो भी अच्छी है। अगर प्राइसिंग देखा जाए तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अराउंड लॉन्च होने वाला था 10,000 to 11,000, लेकिन शॉर्टेज है उसके हिसाब से, चलो ठीक है, अभी ठीक है, फाइनली कदम तो रखा मार्केट में, कस्टमर्स को चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बस वैसे। ओके, तो यही थी मतलब अभी NVIDIA जिसके AMD के कार्ड है, AMD के कार्ड के बारे में बात करेगा। AMD का ग्राफिक कार्ड की जैसे मैं बात करूं, एंट्री लेवल में मेरे पास RX 550 है, AMD का OEM ग्राफिक कार्ड आता है, OEM ग्राफिक कार्ड, हां छोटा RX 550 AMD का ग्राफिक कार्ड, 2GB का DDR5 ग्राफिक कार्ड है, 5900 रुपीस का, 5900 रुपीस का। बाद में RX 550 में मेरे पास ASUS ब्रांड भी है, ASUS, ये देखो ASUS ब्रांड भी है, ये पड़ता है अपने को 9900 रुपीस का, 9900 रुपीस का RX 550 ASUS करके। ओके, ये अभी तक है, ठीक है, स्टॉक आ रहा है, बाकी RX 560 बंद हो चुका है, एंड ऑफ लाइफ है, RX 570 एंड ऑफ लाइफ है, बाकी RX 580 का 8GB का ग्राफिक कार्ड DDR5, वो अभी एक्चुअली स्टॉक आए है, थोड़े थोड़े 20,000 रुपीस का ग्राफिक कार्ड है, 20,000 रुपीस का RX 580 8GB का DDR5 का ग्राफिक कार्ड है, बाकी मेरे पास 64 हो गया, 65, 67, RX 6400 है, 4GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है 14,000 रुपीस का RX 6400, अलग अलग ब्रांड्स के साथ आपको वेरी करेगा, 14,000 आपको MSI मिलता है, 14,500 आपको गीगाबाइट मिलता है, ऑन एन एवरेज डिफरेंस थोड़ा ही मिलेगा, मतलब 14,000 to 15,000 तक आपको हर एक ब्रांड मिल जाएगा, RX 6400, देन मेरे पास RX 6500 XT है, ये रहा 6500 XT है, उनके इधर ही मिला भाई, इधर ही मिला RX 6500 XT है, ये पड़ता है अपने को 17,400 रुपीस का, और गीगाबाइट 17,500 या 700 रुपीस का, जो भी है मतलब 100, 200, 300 रुपीस का ही डिफरेंस है, कोई नहीं है, सब कुछ प्रॉपर के साथ है। देन मेरे पास है RX 6600, जैसे आप देख सकते हो, इधर देखा था मैंने, ये रहा RX 6600, हाँ इधर भी है RX 6600, ऐसा काम हो रहा है जिसको ढूंढा करने के लिए सामने भी, RX 6600 24,500 रुपीस का, ये एक्चुअली बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, मिड लेवल गेमिंग के हिसाब से पब्लिक बहुत ज्यादा प्रीफर कर रही है, जो 3050 लेता है, RX 6600 परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर दे देता है, ये भी 8GB VRAM है, 3050 भी 8GB VRAM है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस 3050 से बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। ओके, इस एक्चुअली अभी जो ग्राफिक कार्ड चल रहे हैं ज्यादा 6600, 3050, 3060 और 6600 XT, जिसको नॉलेज है परफॉर्मेंस वाइज, प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, फर्क नहीं पड़ता है, 3050 का भी उतना ही है, 6600 का भी उतना ही है, परफॉर्मेंस वाइज 6600 बेटर है। इसके बाद में आता है 6600 XT, 6600 XT वो पड़ता है अपने को 6600 XT 34,000 रुपीस का, ठीक है, ये थोड़ा महंगा है NVIDIA के कंपैरिजन, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर दे देता है, बहुत ज्यादा बेटर, 3,000 रुपीस का डिफरेंस है, ये 30,250 रुपीस का आता है, ये 34,000 रुपीस का, ठीक है। अभी बात करें 6700 XT भी आता है, 6700 39,000 रुपीस का, देन मेरे पास 6700 XT है, 6700 XT वो पड़ता है अपने को 45,000 रुपीस का, 45,000 बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। के ऊपर बाद में एक और आता है 6750 XT, वो पड़ता है अपने को 53,000 रुपीस का, वो भी स्टॉक आने वाला है, एक्चुअली स्टॉक है नहीं, वो भी 6750 XT, ये 6700 इसके अंदर है 53,000 रुपीस का है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए प्राइसिंग दे रहा हूँ ताकि आप मतलब आपको पता चले कि ये प्राइसिंग का ग्राफिक कार्ड वो चल रहे हैं, चल रहे हैं 6750 XT। देन मेरे पास 6800 है, 6800 XT, 6800 XT पड़ता है 75,000 का, और 6800 पड़ता है 73,000 रुपीस का, ये हुआ RX 6800। देन लास्ट इसका 6900 XT आता है, 6900 XT अराउंड प्राइसिंग रहेगा 1,02,000 to 5,000 रुपीस तक मिल जाएगा, मिल जाएगा, बहुत रेयर ग्राफिक कार्ड है, ज्यादा बिकता नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग स्टॉक नहीं लेते हैं, लेकिन आपको उतना तक प्राइसिंग मिल जाएगा 6900 XT। तो ये सभी हमें आ रहे हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड हो गया, और भाई हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं लिटरली, मतलब बताए तो भाई एक तो हाथ दुखने लगा, और सबसे बड़ी बात फैन बंद करना पड़ा वीडियो के लिए, पसीना भी आ रहा है, ठीक है। तो ये थी भाई वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, राहुल भाई का भी आप समझ सकते हो किस तरीके से भाई लास्ट में एनर्जी हो गई थी, ठीक है। तो ये सभी ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस अभी चल रहे हैं, जो भी अगर आपको चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, बाकी कॉर्डरो के ग्राफिक कार्ड भी आपको चाहिए तो कॉर्डरो के ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग दे देता हूँ, मतलब वैसे वो थोड़ा जल्दी जल्दी दे देते हैं, वरना T400 का ग्राफिक कार्ड है, T400 2GB का ग्राफिक कार्ड है, वो पड़ता है 8,000 रुपीस का, और जो 4GB का ग्राफिक कार्ड वो पड़ता है 9,500 रुपीस का, मोस्टली चलता है T600 पड़ता है अपने को 15,150 रुपीस का, थोड़ा बहुत महंगा हो चुका है, पहले इसका प्राइसिंग 13,000 के अराउंड था, ये थोड़ा महंगा हो चुका है क्योंकि शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। बाकी A2000 है, A2000 आपको पड़ता है 32,750 रुपीस का, देन जो RTX A4000 है, ओनली A4000 वो पड़ता है 64,700 रुपीस का, और जो RTX 4000 है वो पड़ता है अपने को 56,500 रुपीस का, ठीक है। ये जो है एंट्री लेवल में
क्वाट्रो बहुत ज्यादा अच्छा चलता है परफॉर्मेंस के हिसाब से, ये ग्राफिक कार्ड, बाकी और भी ग्राफिक कार्ड आते हैं 5000 6000 और भी बहुत सारे ग्राफिक कार्ड है। जो भी चाहिएगा कॉन्टेक्ट करो, व्हाट्सएप पे ये डिटेल दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, आप कॉन्टेक्ट करो, आपको प्राइसिंग अच्छा दिया जाएगा विद ऑल इंक्लूसिव जीएसटी रहेगा, विद बिल, विद 3 इयर्स वारंटी, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, कस्टमर्स को समझ जाना चाहिए कि सब विद बिल ही रहता है सब कुछ वैसा। ओके, तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना, और जो भी अगर आप स्टोर पे आ रहे हो भाई फुल सेटिस्फेक्शन होगा, अगर आपको अच्छा लगता है तभी लेके जाओ भाई, कस्टमर फ्रीडम है पूरा, ठीक है। तो मिलते यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई हमारे जो कैमरा मैन है भाई, थैंक यू भैया, मैं एक बार आपको भैया को दिखा देता हूँ, थैंक यू भैया।